इस बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। आदाब, बीबीएन न्यूज में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं मोहसिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। CAA के खिलाफ धरने पर मुंबई हाई कोर्ट का तारीखी फैसला, किसी भी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वालों को नहीं कहा जा सकता गद्दार। शाहीन बाग के मुजाहिरीन अमित शाह से मिलने के लिए तैयार, CAA पर इतवार की दोपहर करेंगे मुलाकात। डॉक्टर कफील पर NSA लगाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया शदीद एतराज, कहा एक डॉक्टर नहीं बल्कि ठोक देंगे जैसे बयान देने वाले हैं असली खतरा। शरद पवार और सोनिया गांधी के एतराज को शिवसेना ने किया दरकिनार, 1 मई से शुरू करना चाहती है NPR प्रोसेस। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की बढ़ने लगी है मनमानी, CAA मुखालिफ एहतजाज में शिरकत पर इमरान प्रताप गढ़ी पर लगाया गया 1 करोड़ का जुर्माना। हैदराबाद में धरना चौक पर इजाजत ना मिलने के बाद शहर भर में होगा एहतजाज, तेलंगाना और आंध्रा JAC ने इतवार की दोपहर एहतजाज की दी कॉल। और अब खबरों की तफसील, बम्बई हाई कोर्ट की बेंच ने CAA के खिलाफ पुरअमन एहतजाज को लेकर तारीखी फैसला दिया है। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के बीड़ ज़िले में CAA के खिलाफ धरने की इजाज़त के मामले पर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने वाजे किया है कि किसी भी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वालों को गद्दार नहीं कहा जा सकता। बीड़ पुलिस और ज़िला अदालत की जानिब से CAA के खिलाफ धरने की इजाज़त देने से इनकार के बाद इफ्तिखार शेख नामी शख्स ने बम्बई हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। औरंगाबाद में बम्बई हाई कोर्ट बेंच के जस्टिस TV नालावड़े और जस्टिस MG सालवेकर ने ज़िला अदालत और पुलिस के फैसले को कालादम करार देते हुए पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त दे दी। एक और बड़ी खबर शाहीन बाग से आ रही है। शाहीन बाग में मौजूद मुजाहिरीन ने हफ्ते को कहा है कि वो मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह के साथ बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं और शहरियत तरमीमी कानून पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। मुजाहिरीन का ये बयान वज़ीर दाखला अमित शाह के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कोई भी CAA से वाबस्ता मामले पर बातचीत करना चाहता है वो उनके ऑफिस में आकर उनसे बात कर सकता है। हफ्ते को मुजाहिरीन ने कहा है कि हम बातचीत के लिए अमित शाह की तजवीज़ कबूल करते हैं, हम उनसे कल 2 बजे दोपहर मिलने के लिए तैयार हैं। मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि अब यह अमित शाह पर है कि वो उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने डॉक्टर कफील पर NSA लगाए जाने को लेकर UP सरकार पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डॉक्टर नहीं बल्कि ठोक देंगे जैसे बयान देने वाले असली खतरा हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों, मुसलमानों और मुखालिफिन के खिलाफ योगी सरकार लगातार NSA का इस्तेमाल कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डॉक्टर खतरा नहीं है, एक CM जो ठोक देंगे और बोली नहीं तो गोली जैसे बयान देता है वो पक्का नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बता दें कि CAA के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के सिलसिले में मथुरा ज़िला जेल में कैद डॉक्टर कफील खान की जमानत पर जुमे को रिहाई से पहले ही उन पर NSA लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में इख्तदार में आए अलायंस महाविकास अघाड़ी की पार्टियों शिवसेना, कांग्रेस और NCP के दरमियान कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है। वज़ीर आला और शिवसेना सरबरा उद्धव ठाकरे ने
एनसीपी और कांग्रेस के एतराजात को दरकिनार करते हुए एनपीआर पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। खबर है कि उद्धव ठाकरे रियासत में 1 मई से एनपीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस और एनसीपी खुलेआम इसकी मुखालिफत कर रही हैं। कांग्रेस जहां एनपीआर को एनआरसी का मुखौटा करार दे रही है, वहीं एनसीपी ने भी इसको लेकर अवामी तौर पर अपने एतराजात दर्ज कराए हैं। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज में शामिल होने पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में मुरादाबाद ज़िला इंतज़ामिया ने मारूफ शायर और कांग्रेस लीडर इमरान प्रताप गढ़ी को नोटिस भेजा है। नोटिस में 1,04,08,000 रुपए के जुर्माने की बात कही गई है। इंतज़ामिया ने मुरादाबाद ईदगाह में जारी एहतजाज पर 13,42,000 रुपए फ़ी दिन के हिसाब से जुर्माने का नोटिस भेजा है। बता दें कि मुरादाबाद में गुज़िश्ता 29 जनवरी से एहतजाज चल रहा है। अब तक 144 लोगों को इस तरह का नोटिस जारी किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जुर्माने की रकम शायर इमरान प्रताप गढ़ी पर आयत की गई है। मोदी सरकार के मुतनाज़ा खवानीन की मुखालिफत में तेलंगाना और आंध्रा जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इतवार को मुनक्किद किए जाने वाले खवातीन के एहतजाजी प्रोग्राम को सिटी पुलिस की जानिब से इजाज़त ना मिलने पर JAC के जिम्मेदारान ने बरहमी का इजहार किया है। JAC कन्वेनर मुश्ताक मलिक ने शहर की आवाम बिलखसूस खवातीन तलबा ताजरीन से कल दोपहर शहर भर में एहतजाज करने की अपील की है। कल आपको अपने घरों से बाहर निकलकर एहतजाज करना है और अगर आज आप इस एहतजाज का हिस्सा बनने से डरेंगे या खौफ खा जाएंगे तो कल वो दिन आएगा कि आपको आपके घरों से आपको इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। तो आपको अज़्म और हौसले के साथ पूरे जोश और बलबले के साथ कल एहतजाज आपको जोहर की नमाज के बाद करना अपने मोहल्लों पर कीजिए, मोहल्लों के चौरस्तों पर कीजिए, मोहल्लों के सड़कों को जाम कीजिए। यह समझिए आपको निकलना पड़ेगा कल। और ताजरीन से भी मेरी गुजारिश है कि ताजरीन का, तलबा का, तालिबात का, वुकला का। तेलंगाना काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में इतवार के रोज़ वज़ीर-ए-आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक्किद किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला KCR ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो काबीना के इजलास के लिए मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाएं। ये इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। तेलंगाना BJP के लीडरों बशमूल मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखला किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह हैदराबाद मेट्रो रेल की खिदमात को पुराना शहर हैदराबाद तक तौसी दें। MGBS मेट्रो स्टेशन का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने दावा किया कि मरकज ने हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए 1450 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसमें से 1200 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक पुराना शहर में मेट्रो के कामों का आगाज नहीं किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इसके लिए ज़िम्मेदार रियासती हुकूमत और MIM हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने अपनी तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स जारी कर दिए हैं, लेकिन रियासती हुकूमत अभी तक अपने हिस्से के फंड्स जारी नहीं किए हैं। इस मौके पर तेलंगाना BJP सदर डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा MLC रामचंद्र राव और दीगर मौजूद थे। मजलिस पार्टी दबाव के कारण, मजलिस पार्टी रोकने के कारण आज पुराना शहर में आज मेट्रो ट्रेन का लाइन का निर्माण नहीं हुआ है। इसका कोई जिम्मेदारी है तो मजलिस पार्टी,
मैं चाहता हूं क्यों पुराना शहर का जनता को मेट्रो दूर किया है। पुराना शहर का जनता को पूरा अधिकार है, मेट्रो पुराना शहर में भी आना चाहिए। पुराना शहर में चार मीनार है, पलकनामा पैलेस है, मक्का मस्जिद है, सालार जंग म्यूजियम है, सभी देखने के लिए अलग अलग शहर से जनता, दुनिया का जनता भी आते हैं। और पुराना शहर में आज तक मजलिस पार्टी के कारण कोई विकास नहीं हुआ है। मजलिस पार्टी दादागिरी गुंडागिरी कारण कोई विकास नहीं हुआ है। मजलिस पार्टी सिर्फ राजनीति चलाते हैं। मजलिस पार्टी पुराना शहर विकास का आज तक कोई कदम नहीं उठा है। करोड़ों रुपए खर्च कर तुम बताते, पैसे किधर जाता पता नहीं। तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में अभी तक कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ एक शख्स को निगरानी में रखा गया है, जबकि अब तक 88 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने के शुबे में तिब्बी मुआयने किए गए, लेकिन किसी में भी इसकी अलामत नहीं पाई गई। उन्होंने आवाम से खौफजदा ना होने की अपील करते हुए कहा है कि हुकूमत पूरी तरह से चौकस है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज वक्फ बोर्ड के तमाम ऑफिसर्स बशमूल लीगल ऑफिसर की एक मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में वक्फ जायदादों के तहफ़ और उनके डेवलपमेंट को लेकर बातचीत की गई। इसके अलावा इस मीटिंग में वक्फ प्रॉपर्टीज़ से हासिल होने वाले किराए और वक्फ फंड्स के बारे में भी तबादले ख्याल किया गया। मोहम्मद सलीम की जानिब से तलब करदा इस मीटिंग में वक्फ अराजी के तहफ़ के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए सीनियर एडवोकेट को अपॉइंट करने की भी बात कही गई है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।